इस चैनल पर लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स में। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सीक्वेंस में बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाना है और अल्फाबेट्स को पिक्चर्स के थ्रू रिकॉग्नाइज कैसे करना है और बच्चों को लेटर्स की पहचान कैसे करवानी है। अब हम इसके आगे के अल्फाबेट्स को लेंगे, जैसे ई एफ जी एंड एच। तो हमारा सबसे पहले पढ़ाने का मेथड है मैचिंग अल्फाबेट्स विद पिक्चर्स। हम सबसे पहले ये अल्फाबेट्स लिख कर देंगे बच्चों को, साथ में इसके पिक्चर्स बना के देंगे और फिर पिक्चर्स को पहले आइडेंटिफाई करवाएंगे बच्चों को, जैसे ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स एंड एच फॉर हैट। इस तरह से बच्चे जब पिक्चर रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब बच्चों को हम खेल खेल के द्वारा बच्चों को हम इन्हें मैचिंग करने के लिए कहेंगे। जैसे बच्चों को बोलेंगे कि ई से इनके पिक्चर्स को मैच करो, ई से ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैट। इस तरीके से बच्चे पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे प्लस अल्फाबेट्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। सेकेंड मेथड में हम बच्चों को फिर से मैचिंग करवाएंगे। अब बच्चे इन अल्फाबेट्स को पहचानना सीखे हैं, इसलिए अल्फाबेट्स विद अल्फाबेट्स को मैच करवाएंगे। सबसे पहले हम ई अल्फाबेट्स लेंगे और बच्चों को कहेंगे कि इस रो पर ई अल्फाबेट्स इस रो में जहाँ भी लिखा है उसको मैच करना है। तो बच्चे ई को ई के साथ मैच करेंगे, देन एफ को एफ के साथ, जी को जी के साथ एंड एच को एच के साथ। इस तरह से बच्चों को एक प्रकार से लेटर की पहचान हो जाएगी। बच्चों को नेक्स्ट मेथड हम सिखाते हैं सर्कल और वन आउट। इसमें हम बच्चों को अल्फाबेट्स लिख के देते हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स ई। इसके बाद हम बच्चों को कहेंगे कि इस लाइन में जो भी अल्फाबेट्स लिखे हैं उसको ध्यान से देखें और इस तरह के अल्फाबेट्स ई को ही सर्कल करना है। तो बच्चे पढ़ते हुए जाते हैं, जैसे ई फॉर एलिफेंट है, अब इसको ढूंढना शुरू करेंगे, जैसे जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स, और ये ई फॉर एलिफेंट, देन जी फॉर ग्रेप्स। तो बच्चे इस ई फॉर एलिफेंट को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से बच्चे एफ एफ फॉर फिश ढूंढेंगे, तो बच्चे अल्फाबेट्स की पहचान होगी। इस तरह से बच्चे बोलते हुए जाएंगे एच फॉर हैंड या एच फॉर हैट, देन एफ फॉर फिश, एच फॉर हैट, एच फॉर हैट। अब बच्चे इस एफ फॉर फिश को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से बच्चे जी अल्फाबेट्स को ढूंढेंगे, पहले तो बोलेंगे जी फॉर ग्रेप्स और फिर इसको ढूंढना शुरू कर देंगे, ई फॉर एलिफेंट, जी फॉर ग्रेप्स, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। तो बच्चे ये जी अल्फाबेट ढूंढने के बाद इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेटर है लेटर एच, एच फॉर हैट, और एच फॉर हैंड भी होता है। बच्चे इसको ढूंढेंगे, जैसे एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, देन एच फॉर हैट। तो इस हैट को सर्कल करेंगे। इस तरीके से बच्चों को हम अल्फाबेट की पहचान करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम बच्चों को फिर से फिलअप्स करवाएंगे। बच्चों को इस तरीके से हम फिलअप करने के लिए फर्स्ट लेटर देंगे, जैसे ई। ई के बाद बोलेंगे बच्चों को बोलने के लिए कि आफ्टर ई, ई के बाद क्या आता है। बच्चे बोलेंगे एफ फॉर फिश। फिर दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों को बुलवाना, E for elephant, F for fish, G for grapes, then H for hen. इस तरीके से हम फोर फोर लेटर्स का पहले फिलअप्स करवाएंगे, उसके बाद हम बच्चों को वर्ड कम्स आफ्टर करवाएंगे, जैसे आफ्टर ई, ई के बाद क्या आता है। बच्चे बोलेंगे ई के बाद आता है F for fish. फिर बच्चों को हम एफ भी दे सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि एफ फॉर फिश के बाद क्या आता है। बच्चे बोलेंगे जी फॉर ग्रेप्स, देन जी फॉर ग्रेप्स के बाद क्या आता है। बच्चे बोलेंगे जी फॉर ग्रेप्स के बाद आता है एच फॉर हैन या एच फॉर हैन। इस तरीके से पहले इसकी रीडिंग करवानी है, इसके बाद बच्चों को वर्ड कम्स आफ्टर की पहचान करवानी है। नेक्स्ट मेथड में हम बच्चों को कलरिंग करवाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बोल्ड लेटर्स की कलरिंग लेते हैं, जैसे ई एफ जी एच, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में कलरिंग करना सिखाया है।
और उससे रिलेटेड पिक्चर्स लेते हैं, जैसे E फॉर एलिफेंट, और या तो सिंपल पिक्चर बनानी है तो E फॉर L भी बना सकते हैं। जो इसमें हमें जो भी बोल्ड लेटर्स में हमें लेटर लिखवाना है, उसमें कलरिंग कराना है और उससे रिलेटेड पिक्चर ही बनवा के देनी है, ताकि बच्चे इस लेटर को और इससे रिलेटेड इस पिक्चर को पहचान सके। इस तरीके से हम बच्चों को अल्फाबेट्स की पहचान और उससे रिलेटेड पिक्चर्स की पहचान करवाते हैं और सीक्वेंस में लिखना बच्चों को सिखाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।